Bismillahirrahmanirrahim. रहमान रेम आज मैं आपको पिशावरी चर्सी कढ़ाई की रेसिपी दिखा रही हूँ इस पर आप एक पाउल में वन टेबल स्पून अदरक लहसुन लेकर हाफ़ कप पानी से इसको घोल कर रख दें और सबसे पहले ढाई पाउन गोश्त ली हुई थी इसको मैं पॉट पे डाल दें और इसको अच्छी तरह से आप सॉटे करें जब तक ये वाइट हो जाए और ये मेरे बकरी ईद की गोश्त है इसको अच्छी तरह से आप सॉटे करने के बाद इनका कलर देखें बिल्कुल वाइट हो जाएंगी स्मेल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए इसी वजह से पाँच मिनट तक आप इसको हिलाते रहें अब देखिए ये इसके कलर चेंज होने लगी गोश की पानी भी ड्राई हो गई तो अब आप इसमें डालेंगे दो कप पानी डालेंगे डालकर इसको आप बॉईल करने के लिए रख दें मीडियम टू हाई फ्लेम पे तो अब ये बॉईल होने लगेंगी ये बॉईल होने लगेंगी तो आप इसको स्लो आ कर लें और अदरक के जो मैंने पानी घोल के रखी हुई थी उसके ऊपर से सिर्फ पानी हम डालेंगे अदरक लहसन नहीं डालेंगे अब इसको हम कवर कर कर रख देंगे कम से कम वन आवर्स तो इसको गलने के लिए हमें रखना है अब इसमें मैं वन टीस्पून फुल नमक डाल दूंगी डालकर मैं रख दूँगी अब देखें इसको ज़रा सा फैला कर देखें अब कुछ सेवेंटी परसेंट गल चुकी है तो अब इसमें ढाई पाउंड मैंने टमाटो ली इसको ऊपर से मैं टमाटो सबको सेट करके रख दूंगी अब टमाटो को सेट करके रखने के बाद इस पर कवर कर लें करने के बाद आप फ्लेम जो है आप मीडियम पे रखें थोड़ी देर अब मीडियम पे आप रखेंगी तो उसकी स्टीम से टमेटो जल्दी से गलने लगेंगी अब देखें टमेटो गल गए तो इसके स्किन को हम पील कर लेंगे पील करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसी के मतलब जूस में आपको मिक्स करनी है आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की होगी स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह करें और कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इस पर अब आप अच्छी तरह से इसको बुनाई करें देखिए टोमेटो गल चुकी है आप ज़रूर ऐसे कीजिएगा ना तो इन आपकी सेम इसी तरह टेस्ट होेंगे आप इसमें क्वार्टर कप ऑयल डालें अब आप ऑयल डालने के बाद इसके थोड़ी सी बुनाई करें अब इसमें ब्लैक पेपर मैंने क्रश की हुई वन टी स्पून डाली गर्म मसाला हाफ टी स्पून डाली क्रश पेपर वन टी स्पून नमक वन टी स्पून क्योंकि पहले मैंने डाली थी अब मुझे ज़रूरत पड़ने पे वन टी स्पून और डाली और हरी मिर्च चार अदद में कट करके डाली और अदरक वन इंचज़ कट करके डाल दी और हरा धनिया हाफ पंच डाली और आधा में रखी हुई हूँ अब इसने वन टेबल स्पून में घी डाली क्योंकि फैट बहुत कम थी इसी वजह से घी में थोड़ी सी डाल दी अब इसको अच्छी तरह से आप बुनाई करें देखें आपकी बिल्कुल ड्राई सी होती है ज़्यादा इसमें नहीं होती मसाले आपकी चर्सी कढ़ाई रेडी आप एंजॉय करें हाफि आज मैं आपको क्रंची क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी दिखा रही हूँ आप सबसे पहले तीन पाउंड चिकन फिले ले लें उसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करें फिर इसको अच्छी तरह से हैमर की मदद से हैमर कर लें कर कर इसको रखें अब इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से मसाला डालेंगी तो ही जूसी टेस्टी मज़ेदार बनेंगी आप इसको हैमर करने के बाद आप एक बाउल में डालें अब आप इसमें दो टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे दो टेबलस्पून स्पून सूर्यचा दो टेबल हॉट सॉस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को डालनी है हमें दो टेबलस्पून मस्टर्ड डालेंगे जितना इस पर अच्छा मसाला चलेंगे उतनी टेस्टी होंगे दो टेबलस्पून स्पून सोया सॉस डालेंगे वन चिली पाउडर वन गार्लिक पाउडर वन टेबलस्पून, स्पून वन टेबल नमक सॉल्ट डालेंगे दाल के तमाम चीज़ों को योगर्ट भी वन कप डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करके आप इसको कवर कर कर फोर टू फाइव आवर्स के लिए आप फ्रिज में रख दें अब मैं इसके लिए सॉस तैयार कर रही हूँ एक बाउल में वन कप मायमूनीस ले लें हाफ कप सावर क्रीम ले लें टू टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट डालें टू टेबल स्पून डालें वन टेबल स्पून गार्लिक पाउडर डालें टू टेबल स्पून पिकल सॉस डालें थ्री टेबल स्पून हनी डालें वन टेबल स्पून नमक डालें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर कर सॉस को भी आप कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ये सॉस आपको आराम से टेन डेज चल सकती है अब ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ हम जा रहे हैं फाइव कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर दाली, वन टेबल स्पून सॉल्ट वन टेबल स्पून चिली पाउडर वन टेबल स्पून गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालकर इसको ड्राई को मिक्स करके अच्छी तरह से आप रख दें अब आप चिकन को लेकर इस पर अच्छी तरह से ड्राई इन्ग्रीडियंट पे आप अच्छी तरह से इसको लगा लें अब इसको पानी के अंदर डाल के आप ड्रेंड करें अब दोबारा से इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैदा पे अच्छी तरह से लगाएं काफ़ी देर तक आप प्रेस कर कर लगाएं इसके ऊपर स्किन की तरह बन जाए तो ही ये क्रिस्पी बनेंगी देखें आप इसको तलें अब देखें आप मीडियम टू हाई पे तलें एक साइड आप थ्री टू फोर मिनट्स कर लें अब ये क्रिस्पी क्रंची आपकी तैयार हो गई चिकन की पीसेस तो अभी मैं एक फ़्राई पैन ले ली थी उस पर मैंने रोटी को सेक ली थी अब उस पर सॉस लगाएं लिटेस्ट चिकन सॉस कैक्यूम्बर टमेटो दोबारा से ब्रेड पे सॉस लगाकर इसको कवर करें आपकी जिंगर क्रिस्पी क्रंची रेडी है आप लोग इंजॉय करें अल्लाह हाफ़ बिसमिलहम आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार व्हाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी दिखा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े की होती है सबसे पहले आप एक पैन ले लें उस पर वन कप ऑयल डालें और वन लार्ज ऑनियन को मैंने चॉपर कर ली थी वो भी डाल दें उसको सॉटे करें हर तरह सा कलर चेंज होने लगे तो आप इसको वाइट ही रखना है हमें वाइट है इसी वजह से वन एंड हाफ़ पाउंड चिकन बोनलेस ये भी डाल दें फिले में कटी हुई थी फिर इसको मैं छोटी छोटी पीस टू टू इंच की कर ली थी इसको भी आप इसमें डाल दें डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें अब मिक्स करने के बाद आप इस पर नमक डालेंगे नमक हमें डालनी है वन टीस्पून नमक वन टीस्पून इस पर आप डाल दें ज़रूरत पड़ने पे आप और डालें ताकि ज़्यादा नहीं हो जाए अब आप इसके साथ इसको बुनाई करें स्टेप बाय स्टेप एक एक, एक चीज़ें डालते जाएं आप चम्मच से मिक्स करते जाएं बुनाई करते जाएं अब इसमें आप अदरक लहसन की पेस्ट वन टी डालेंगे डाल के अच्छी तरह से इसको भी आप मिक्स कर लेंगे करने के बाद मैंने हरी मिर्च कट करके कर रखी थी सिक्स टू सेवन पीस इसमें से आप हाफ़ हरी मिर्च इसमें डाल देंगी डाल के इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे योगर्ट वन कप योगर्ट बाहर मैं मिक्स करके रखी हुई थी क्योंकि गट्ठा ना हो जाए इसीलिए अब इसमें मैं योगर्ट भी डाल दूँगी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी देखिए योगर्ट डालने के बाद फिर दोबारा से ये रनी हो गई है अब इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसको पकानी है बिल्कुल लो नहीं करनी है आप मीडियम टू हाई भी रखें डजेंट मैटर अब आप इसमें बची हुई हरी मिर्च भी डाल दें डाल अच्छी तरह से भूने देखिए अब ऑयल आने लगी अब उस टाइम पर मैंने दो टेबल स्पून भुनी हुई धनिया पाउडर फॉर्म में वो डाली हाफ टी स्पून गर्म मसाला वन टेबल स्पून क्रश की हुई ब्लैक पेपर डाली अब वन टी स्पून जीरा भुनी हुई क्रश की हुई वो डाल दें लेमन जूस हाफ लेमन जूस डाल दें अब डाल के स्टेप बाय स्टेप सबको आप मिक्स करते जाएं। अब इसमें हैवी व्हिपिंग क्रीम वन कप आप डालें डाल के अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को मिक्स करके बुनाई करें देखें ऑयल आने लगी अब कसूरी मेथी वन टीस्पून स्पून हाथ से क्रश कर कर ये भी आप डाल दें अब मैंने कट करके रखी हुई थी हरी मिर्च हरा धनिया अदरक तो आप इसमें डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे एक अदद हरी मिर्च थी और हाफ़ बंच हरा धनिया थी कट करी हुई और टू इंच जिंजर को मैंने कट करके रखी थी ये भी डाल दें डाल के आप अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें देखिए आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है वाइट कढ़ाई अब आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करने के बाद कवर करके थोड़ी देर दम के लिए आप रख दें अब आप देखिए बिल्कुल आपकी वाइट चिकन कढ़ाई ज़बरदस्त रेडी है आप इसको सर्व करें और आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ही मज़े किए ज़रूर ट्राई कीजिएगा अल्लाह इस... रमन आज मैं आप लोगों को आलू की सालन की रेसिपी दिखा रही हूँ आठ आलू ले के अच्छी तरह से पील कर लें और क्वार्टर कप ऑयल डालें ऑयल गर्म होएंगे तो सात से आठ अदद आप चिल्ली डाल दें चिल्ली के साथ साथ आप पचपुरन डालें आप इसमें वन टेबल स्पून डालेंगे इसमें है सौंफ मेथी राई ज़ीरा कलौजी ये पांच चीज़ें हैं मैं खास बता रही हूँ कि आप लोगों को पहले से आप लोगों को याद रहे वो वन टेबल स्पून डालेंगे और करी पत्ता डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अब इसमें आलू हमने आठ को छोटी छोटी पीस में कट करके रखी थी वो भी डाल दें डालने के बाद आप चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून टेमेरिक हाफ टी स्पून ये डालें और टोमेटो थ्री टू फोर वेरी छोटी स्मॉल टोमेटो थी इसको ठक के रख दें इसकी इन्हें सब अंदर चले जाएंगे फिर इसको अच्छी तरह से आप बुनाई करें टोमेटो गल जाएंगी तो आप इसमें पानी डालेंगे ढाई कप डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे देखिए पानी डालने के बाद बिल्कुल ये अच्छी सी पक गई तो अब आप इसमें इमली की पल्क आप तीन टेबल स्पून डाले डाल के फिर इसको आप छः पाँच छः मिनट पकने के लिए रखें क्योंकि इमली भी पक जाएं अब देखिए पकने के बाद आप इसको देखें थोड़ी सी पतली हो तो आप इसको आलू को थोड़ी थोड़ी चम्मच से आप क्रश कर दें आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त आलू की सालन तैयार हो गए आप इंजॉय करें और मुझे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा आप फीडबैक दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ बहुत टेस्टी टेस्टर आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस पेरी पेरी चिकन की रेसिपी बोनलेस की दिखा रही हूँ सबसे पहले मैंने तीन पाउंट चिकन ली थी उसमें मैं नमक वन टेबल स्पून डाली ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून लेमन जेस वन टी स्पून चिली पाउडर वन टेबल स्पून और मैं इसमें डालूंगी टमेटो पेस्ट टू टेबल स्पून डालूंगी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है हमें और इसमें आप योगर्ट डालें वन कप ओरिगानो वन टेबल स्पून लेमन जूस वन एंड हाफ़ टेबल स्पून और इसमें आप डालेंगे मैंने जो पेरी पेरी सॉस बना के रखी हुई थी ना वो सॉस भी हमें इसमें डालनी है क्वार्टर कप हम इसमें सॉस डालेंगे सॉस डालने के बाद ऑयल दो टेबल स्पून भी डाल दें अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और टू आवर्स तीन थ्री आवर्स के लिए आप छोड़ दें अब एक पैन ले लें उसमें आप ऑयल डालें ऑयल डालने के बाद ये तमाम चिकन को आप डालें डाल के अच्छी तरह से भुनें ये पानी निक आएंगी मगर इसको आप तेज़ आग पर भूनती रहे उसी में ये गल जाएंगी बहुत अच्छी से देर तक बनाई कर घलने के बाद जो पेरी पेरी राइस मैंने बनाई थी उसके ऊपर इसको मजेदार है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अल्लाह आज मैं आप लोगों को लाहौरी छोला की रेसिपी हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल है उसको मैं दिखा रही हूँ आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत मजे की वन कप ऑयली थी इसमें दो बेलीमन तीन इलायची डाली उसको फिर उसमें वन दाल के ब्राउन होने तक तलें फिर इस पे चना बॉयल की हुई रखी हुई थी तीन कप ये दालें डालकर इसको थोड़ी सी फ्राई करें फिर इसके बाद पाँच मिनट तक फ्राई करें इसके बाद आप इसमें मसाला डालेंगे नमक वन एंड हाफ टीस्पून डालें चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून डालें और इसमें आप डालेंगे धनिया पाउडर तीन टेबल धनिया तीन टेबल डालने की वजह यह इसी से गाढ़ा होगा इसकी ग्रेवी इसी से अच्छी टेस्ट आती है भून पाँच मिनट तक बुनाई करें भुनने के बाद आप फिर पानी डालें ढाई कप डाल के इसको पकने दें ये पकने लगेंगी तो आप इसमें क्रैश पेपर वन टी स्पून डालें और इसमें आप लहसन पाउडर गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून डालें डाल के इसको फिर से पकने दें इसके बाद आप गरम मसाला डालें डालने के बाद बेकिंग सोडा डालें डाल के इसको पाँच मिनट तक ढक कर रखें ये पक के अच्छी तरह से गल जाएंगी तो आपकी ये तकरीबन रेडी हो जाएंगे इसको टोटल पकाने में पंद्रह मिनट आपको लगेंगी छोला की सालन पकने में स्टेप बाय स्टेप अब इसमें आप चाट मसाला डालेंगे और साथ साथ ज़ीरा वन टीस्पून लेके हाथों तो से क्रश करके वो भी डाल दें और फिर दम पे पाँच मिनट के लिए रखें फिर आप इसको सर्व करें हरी 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 धनिया और हरा मिर्ची के साथ छोला आलू हलवा पूरी की ये रेसिपी अब बहुत मज़े की होती इसको आप छोटी छोटी अनियन कट करके अचार ये तमाम चीज़ों के साथ सर्व करें इन्जॉय आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी चौंप की रेसिपी दिखा रही हूँ बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं डलेंगे आप देखें ये पंद्रह अदद चॉप्स है ये है ढाई पाउंड टू एंड हैफ़ पाउंड अब इसमें मैं डाल पपाया वन टेबल स्पून डालूँगी और वन टेबल स्पून मैं गार्लिक पेस्ट डालूंगी वन टेबल स्पून और मैं डालूंगी इस पर जिंजर पेस्ट डालूंगी अब ये तीनों चीज़ें डालेंगे और इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस टू टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी और वन टीस्पून इसमें हम डालेंगे सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे मिक्स करके वन आवर्स के लिए रख देंगे इसमें मैं वन कप डालूंगी पानी डालकर इसको मैं चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख देंगे स्टीम पे रखेंगे पहले ये बॉईल होएंगे फिर इसको हल्की फ्लेम पे तकरीबन मैं टू आवर्स के लिए हमें रखनी होएंगी गोश्त जब तक गलने के लिए नाइन्टी और दो मैंने इलायची डाली इसमें स्मेल भी सब खत्म हो जाए करके अब ये मैंने इसको रख दी थी अब मैंने एक कप ले ली इसमें वन कप योगट ली हल्दी भुनी हुई ज़ीरा व क्रेश पेपर भुना हुआ धनिया गरम मसाला कश्मीरी लाल चिली पाउडर सॉल्ट एंड चाट मसाला ये तमाम चीज़ों को ये योगर्ट के वन कप योगर्ट में मैं डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ली मगर मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली ना मिक्स करने के बाद अब इसमें चॉप्स में चॉप्स तकरीबन नाइन्टी परसेंट घल चुके हैं इसमें डालकर अच्छी तरह से आप मिक्स करें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर करके रखें देखिए अब आप कवर करें तो इनकी जो है योगट के पानी में और ये टेन परसेंट भी गल जाएंगी अब आपकी ये बिल्कुल रेडी हो गई आप इसको फ्लिप करें टेन बाई टेन एक एक चॉम्प्स को देखें आपकी चॉम्प्स बिल्कुल रेडी है मसाला चॉप्स ना ये मैंने ग्रिल की ना ये मैंने फ्राई की अब मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी अब देखें आपकी चॉप्स बिल्कुल मसालेदार चॉम्प्स कितनी अच्छी लग रही है मैं अदरक हरा धनिया लेमन के साथ आप सर्व करें देखें रेडी है चॉम्स इंजॉय करें नहीं। नहीं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल मैंने चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखा रही हूँ ये है चिकन बिरयानी मैंने एक चिकन ली थी देखिए एक ऑनियन ली एक कप ऑयल में डाली डाल के इसको फ्राई करी हूं। इसका कलर गोल्डन होने लगी मैंने एक अदर चिकन एक पूरा होल चिकन को छोटी छोटी पीस में सिक्सटीन पीस में कट की हुई थी वो मैंने डाल दी डालकर इसको हम सॉटे करेंगे इसमें अदरक वन टी स्पून लहसुन वन टी स्पून दो चिल्ली डालेंगे ग्रीन डालकर इसको सॉटे करेंगे अब इसमें आएंगे शान मसाला क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट थी शान मसाला की बिरयानी बनाना सिखा दें बहुत ही ईजी है बहुत ही सिंपल है आप पूरी एक पैकेट शान मसाला डालें फिकर ना करें बिल्कुल इनफ हो जाएंगे एक चिकन में एक शान मसाला की पैकेट और मैंने वन टेबल स्पून धनिया पाउडर उसमें थोड़ी सी मैं गर्म मसाला डाली थी वो भी डाल के अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आप बुनाई करें बुनाई करने के बाद ये दो अदर टमेटो छोटी छोटी पीस में कट करके रखी थी ये भी मैंने डाल दी डाल के अच्छी तरह से आप भुनें देखें ये तकरीबन सात से आठ मिनट हो गई है बुनाई करते हुए अब इसमें हम डालेंगे योगट हमें योगट चाहिए वन कप वन कप से ज़्यादा हो तो डजेंट मैटर वन कप से कम ना होना चाहिए आप इसको डालें अच्छी तरह से इसका बुनाई करें अब देखिए योगट पानी रिलीज़ करने लगेंगी तो उसी पानी में हमारे चिकन गल जाएंगी दम पे अच्छी तरह से आप इसको बुनाई करें कर कर आप इसी योगर्ट के पानी में गल जाएंगे इसको कवर करके आप रख दें दस मिनट तक आप देखें लो टू मीडियम फ्लेम पर अब आपकी चिकन बिल्कुल तैयार हो गई सालन अब आप इसमें डालेंगे हाफ कप फ्राई ऑनियन डालेंगे और चुटकी भर आपको ज़रान डालनी है डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप तक, कवर कर कर आप थोड़ी देर रख दें और एक आप पॉट में पानी डालेंगे बॉईल होने के लिए उसमें तमाम गरम मसाला लौंग इलायची जीरा धनिया डालेंगे और मैंने चावल जो है मैंने तीन कप चावल को मैंने सोख करके रखे हुए एक घंटा हो गए अब देखिए मैं चावल दम पे लगा रही हूँ नीचे सालन ऊपर राइस ऊपर मैंने एसिस डाली बिरयानी की और ये येलो कलर आप ड्राई डालें दाल के हल्की सी मिक्स कर लें कितनी प्यारी कलर हो जाती है अब इसमें मैं दो टेबल स्पून घी डालेंगी डालकर इसको मैं दम पे रख रही हूँ आप चम्मच से थोड़ी सी डीप आप होल कर लें तो क्योंकि दम पे बहुत अच्छी तरह से आएगी स्टीम ऊपर आ जाएंगी अब देखिए आप इसको कवर कर लें पेपर टावल रखें उससे कवर करें आप टेन मिनट्स तक बिल्कुल लो फ्लेम पे देखें आपकी चावल बिल्कुल स्टीम आके रेडी हो गई मैंने पेपर टॉवल हटा ली अब देखें हमारी चिकन की बिरयानी बहुत मज़ेदार बहुत ही सादा सिंपल तैयार हो गई उसके साथ रायता बनाइएगा आप हरा धनिया हरी मिर्च के साथ इंजॉय करें सब आज मैं आप लोग को बीफ फ्राई की रेसिपी दिखा रही हूँ वेरी टेस्टी वेरी इजी और साथ साथ एमली की सूप की भी रेसिपी दिखा रही हूँ सबसे पहले वन पाउंड मैंने बीफ ले ली थी उसमें मैं वन कप पानी डाली अब इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे और सॉल्ट जो है वो भी हाफ टी स्पून ही हम डालेंगे इसमें क्योंकि ये फ्राई होंगी ना इसी वजह से और इसमें हम डालेंगे हल्दी क्वार्टर टी स्पून और चिली पाउडर हाफ टी स्पून डालकर इसमें हाफ कप ऑयल डाल के प्रेशर कुकर पे ट्वेंटी मिनट्स के लिए रखेंगे ये बिल्कुल पक्के फ्राई होके रेडी हो जाएंगे देखेंगे अब मैं एक बॉल ले ली थी उसमें तीन टेबल स्पून लहसन क्रेश की हुई डाली वन टी ब्लैक पेपर क्रेश की हुई डालूंगी और वन टी ज़ीरा क्रेश की हुई वो भी मैं डालूँगी इसमें डालकर ये मैं रखूँगी इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी हाफ टी स्पून डाल दूँगी और नमक डालूँगी हाफ टी स्पून ये मैं रेडी करके रखूँगी एक पैन पॉट लूँगी उसमें मैं ऑयल थोड़ी सी डालूँगी उसमें एक मुट्ठी भरकर एक भरकर करी पत्ता डालूँगी और इसमें सूखी मिर्च सात आठ अदर डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी राई वन टीस्पून डाल के इसको फ्राई करूंगी ये फ्राई होने के बाद देखें ये अच्छी तरह से फ्राई होने लगे तो ये तमाम मसाला मैंने मिक्स करके ये डाल के अच्छी तरह से आप बुनाई करें बहुत बुनाई करें खुशबू आने लगेंगी तो आप इसमें डालेंगे थ्री कप पानी डालेंगे मैंने रखी हुई थ्री कप मेजरमेंट करके पानी और इमली की पल्क जो है वो मैं चार टेबल स्पून रखी हुई है वो तमाम चीज़ों को इसमें आप देखें पहले पानी डालेंगे पानी बॉईल होने लगेंगे इमली की पल्क डालेंगे तो आपकी ये सूप बिल्कुल रेडी हो जाएंगी बस इसको पाँच मिनट में आप बंद कर दें हरा धनिया एक हैंडफुल डालें इस पर देखें ये आपकी सूप रेडी है चावल के साथ सर्व करें फ्राई बीफ के साथ वेरी टेस्टी वेरी डिलेशस वेरी ईजी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा बहुत ईजी है और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिस्मिल्लामान आज मैं आप लोग को घर में बनने वाली इजी खमन ढोकला की रेसिपी दिखा रही हूँ सबसे पहले आप दो कप बेसन लीजिए उसको अच्छी तरह से छान लें छानने से इनकी गठी वगैरह ख़त्म होकर बहुत अच्छी हो जाती है अब इसमें आप डालेंगी वन टी नमक और चुटकी भर आप हल्दी डाल के इसको एक साइड पे रख दें एक पॉट ले लें उसमें वन एंड हाफ़ कप पानी डालें टाटरी वन टी स्पून डालें शुगर वन टेबल स्पून डालें ऑयल दो टेबल स्पून डालें अच्छी तरह से मिक्स कर लें शुगर घुल जाने जैसे मिक्स करके रखें फिर अब आप ये इसको डाल दें बेसन ड्राई इन्ग्रीडियंट पर और अच्छी तरह से मिक्स करें एक ही साइड मिक्स कीजिएगा मिक्स करके इसको दस मिनट के लिए आप छोड़ के रखें पानी बॉयल होने दें पैन पर ऑयल लगाएँ अब आप इस बेसन मिक्स हुई हुई है उसके अंदर आप डालें वन टीस्पून आप डालेंगे बेकिंग सोडा और उसमें आप डालेंगे दो टेबलस्पून पानी डालकर आप वन साइड मिक्स करेंगे देखिए मगर आप इसको पंद्रह मिनट पहले बना कर रख दीजिएगा उसके बाद आप ये डालिएगा सेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका देखिए पफीनेस हो गई आप ये पैन में ग्रीस की हुई है वो पैन में इसको डाल दें डाल के दो मरतबा टैप करें कर कर आप इसमें स्टीम में रख दें तकरीबन एटीन टू ट्वेंटी मिनट्स भी आपकी ये रेडी हो जाएंगी आप इसको फॉक की मदद से आप देखिएगा देखिए आपकी बिल्कुल रेडी हो गई अब आप इसको निकाल दिए निकाल कर आप इसको थोड़ी सी ठंडी होने के लिए दो चार मिनट पाँच मिनट रखें फिर आप इसको प्लेट में निकालें निकाल कर आप कट कर लें और आप बघार की तैयारी करें कड़ी पत्ता हरी मिर्च और राई वन टेबल स्पून डालें अच्छी तरह से इसको फ्राई करें कर कर इसमें आप डालेंगे दो टेबल स्पून शुगर डालकर इसको मिक्स करें कर कर आप पानी हाफ़ कप डाल दें डालकर इसके ऊपर बघार लगा लें अच्छी तरह से लगाने के बाद आप इसमें हरा धनिया लो खोपरा भी आप डालना चाहिए डालें डाल के इसे सर्व करें आप पीसेस कर लें पहले मैं पीसिस कर ली थी उसके बाद ये बघार डाली फिर उसके बाद आप देखें कितनी अच्छी तरह से पीसीस निकल के आ गए आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है कैसी सॉफ़्ट बिल्कुल फुली हुई देखें बहुत अच्छी बनी बहुत ही टेस्टी आप लोग इन्जॉय करें सब्सक्राइब करें, करें आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दी बनने वाली बैंग बैंग चिकन की रेसिपी दिखा रही हूँ आपके घर में ये चीज़ें मौजूद है बहुत इजी बनती है मैंने वन एंड हाफ पाउंड चिकन ली थी हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाली और मैंने ऑस्ट्रे सॉस वन टी स्पून डाली सोया सॉस वन टी स्पून डाली क्योंकि नमक है ना सब चीज़ में इसी वजह से और इसमें मैं डालूँगी एक अंडा डालूंगी कॉर्न स्टार्च क्वार्टर कप डालूंगी कार्डिक वन टेबल स्पून डालूँगी पाउडर और ये दो टेबल स्पून डालूँगी व्हाइट फ्लावर मैदा टू टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम और इसमें बटर मेन में चार टेबल स्पून क्वार्टर कप से भी कम है ये मैं डालूंगी और चिली पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और बेकिंग पाउडर इस पर डालें वन टी स्पून डाल के मिक्स करके इसको फ्राई करें देखिए फ्राई करके आप निकाल लें फिर इसके बाद थोड़ी सी ख़त्म होने के बाद दोबारा मैं दो पैच बनाई थी अनदर वन और पैच फिर से दोबारा से इसको डबल फ्राई करना है नेक्स्ट और एक फ्राई करें कर कर इसको भी आप अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि डबल क्यों फ्राई करना पड़ा है हमें कि क्रिस्पी होने के लिए ये मेरी चिकन क्रिस्पी होती है ना सॉस में डालने के बाद इसको भी मैंने निकाल ली अब मैंने मायूनीस ली हाफ कप अब इसमें मैं डालूँगी वन टी मैं डालूँगी हॉट सॉस डालूँगी और वन टीस्पून मैं डालूँगी श्रीराचा डालूंगी ये तमाम चीज़ों को नहीं मिक्स कर दीजिए और हनी मैं डालूँगी वन टीस्पून स्पून अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट क्वार्टर टीस्पून डालूंगी क्योंकि सब चीज़ों पे सॉल्ट होती है और ये चिली सॉस जो है वन टेबल स्पून डालूंगी आप इसको अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद ये चिकन दो पैस देखिए फ्राई की हुई ये इसको डालें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको आप थोड़ी सी सेसमी रोस्ट की हुई ये भी डाल दें बहुत अच्छी भी लगती है टेस्ट अच्छी होती है लुक भी अच्छी लगती है इस तरह करें ये इतनी इजी इतने मज़े की इंजॉय करें सब्सक्राइब करें इसमें लाइमान आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी मैं बटर चिकन की रेसिपी दिखा रही हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बहुत ही टेस्टी है आप लोग को बहुत अच्छी लगेंगी मैंने नान भी बनाई थी नान की रेसिपी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी अभी फ़िलहाल मैं आपको एक रेसिपी दिखा रही हूँ ये बटर चिकन की सबसे पहले मैंने वन एंड हाफ पाउंड चिकन ली थी इसमें मैं वन टी सॉल्ट वन वन टीस्पून जिंजर वन टीस्पून गार्लिक वन टीस्पून ज़ीरा पाउडर वन टेबलस्पून धनिया पाउडर भुनी हुई वन टीस्पून चिल्ली पाउडर योगर्ट थ्री टेबलस्पून डाली और इसमें मैंने डालूंगी गरम मसाला वन टीस्पून और लेमन जूस डालूँगी हाफ लेमन जूस डालूँगी अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थर्टी मिनट्स के लिए आप रख दें आराम से इसको रख दें थर्टी मिनट तक में ये बिल्कुल अंदर झायका सब घुस जाएंगे अब आप एक पॉट ले लें उस उसमें आप डालें दो टेबल स्पून बटर बटर डालने के बाद मैंने मीडियम रफली चॉप की हुई ऑनियन थी ये भी मैंने डाल दी जरा सा आप सॉटे करें अब इसमें डालें क्रेश गार्लिक टू टी स्पून क्रेश जिंजर वन टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें देखिए मैं जिंजर अभी डालूंगी वन टेबल स्पून ये आप डालें डाल के ये चीज़ों को सॉटे करें करने के बाद अब आप इसमें डालेंगे काजू मैंने काजू वन कप डाली आपको हाफ कप चाहिए हाफ कप डाली आपको थिन चाहिए ग्रेवी तो आप हाफ कप डालें मैं थिक के लिए डाली थी और कश्मीरी लाल चिली पाउडर वन टी स्पून डाली इस पर मैं डाली गर्म मसाला वन टी स्पून डाली डाल के अच्छी तरह से ये सब चीज़ों को आप सॉटे करें सॉटे करने के बाद अब आप इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी मैंने दो कप बना के रखी हुई थी वो मैंने इस पर ऐड कर ली कर कर अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करी देखें ये अभी बॉयल होने लगेंगी और इसमें मैं डाली सॉल्ट हाफ टी स्पून सॉल्ट डाली और मैं वन चिकन क्यूब डालूंगी डालकर इसको अच्छी तरह से ये देखें बॉयल होने लगी अब मैं इसमें डालूंगी हैवी क्रीम मैं डालूंगी वन एंड हाफ कप डालूंगी डालकर ये भी बॉयल होने लगी ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हो गई क्योंकि पहले तो पक चुकी थी अब इसको मैं आप हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लें देखिए आपको थिंक चाहिए तो और मिल्क डाल दें मैं तो थिक ही रखी हुई थी तो ये हो गई बहुत अच्छी तरह से देखिए अब आप इसको क्या करेंगे रख दें अब आप एक पैन ले लें उसमें आप थ्री टेबल स्पून बटर डालें और हमने जो चिकन मिला कर रखी थी थर्टी मिनट्स अगो ये आप डालें डाल के इसको अच्छी तरह से इस बटर में आप इसको सॉटे करें इसकी पानी ना डालें यही पानी निकलेंगे आप भुनाई करें देखिए बिल्कुल इस कलर की हो जाएगी तकरीबन आपको फिफ्टीन मिनट्स लगेंगे ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी अब आप इसमें ये डाल दें ग्रेवी डाल के थोड़ी सी आप हाफ़ टी स्पून शुगर डालें क्योंकि मैं कवर करके रखी बहुत ही उछल रही है मतलब ना इसी वजह से और इसमें हाफ़ टी स्पून आप कसूरी मेथी क्रश करके वो भी डाल दें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें दम पे रखें बटर की आप एक औंस की पीस दो टुकड़े में करके ये भी डाल के इसको कवर करके रख दें हम इसमें हैवी क्रीम जब सर्व करेंगे उस वक्त हम डालेंगे बहुत मज़े की बहुत टेस्टी आप लोग इंजॉय करें और नहीं मुझे सब्सक्राइब आज मैं आप लोगों को चिकन तंदूरी की रेसिपी ओवन में बनाने की तरीका बता रही बहुत ही ईजी है सबसे पहले दो चिकन ली थी उसको क्यूब में कर, छोटी पीस में कटवा ली थी एट पीस एट पीस उसमें वनीगर वन कप पानी डाल के सोक करके थ्री टू फोर आवर्स के लिए रख दी थी एक पॉट में योगट ली थी दो कप अदरक लहसुन वन टी डाली थी और इस पर डाली थी ज़ीरा पाउडर वन टीस्पून धनिया पाउडर दो टेबल स्पून डाली चिली पाउडर तीन टेबल स्पून डाली और हल्दी पाउडर डाली थी और नमक वन टीस्पून डाली और एनी मसाला तिक्का की वो डाल दी चार टेबल स्पून लेमन जूस दो डाली थी और इसमें ऑयल डालेंगे मैं क्वार्टर कप दाल के मिक्स करके ये तमाम चिकन को ड्रेन करके रखी थी इसमें दाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी सिक्स आवर्स के लिए एटलीस्ट आप थ्री आवर्स तो रखें और कार्डिमन पाउडर वन टी स्पून डाली दाल के इसको मैं ओवन में बेक करने के लिए डाल रही हूँ स्प्रे कर रही हूँ स्प्रे कर कर मैं इसको वन आवर्स के लिए थ्री फिफ्टी पे मैं डाल दी अब इसको मैं ओवन में डालूंगी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई फोर्टी मिनट्स पे इसके पानी को मैं ड्रेन करके दोबारा से मैं डाली तो बिल्कुल ट्वेंटी मिनट्स बिल्कुल ये ज़बरदस्त तैयार हो गए इसको आप सर्व करें सैलड ऑनियन वग़ैरह टमेटो लेमन सब के साथ बहुत टेस्टी बहुत ही मज़े की आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत इजी है बिल्कुल बाहर जैसी आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर आज मैं आप लोगों को जो चीज़ बना के दिखा रही आप लोग ये देखिएगा ये है क्या चीज़ यह आप लोगों के लिए सरप्राइज है ये है बगारी रोटी हमने लास्ट नाइट रोटी बनाई थी वो बची हुई थी तो मैं उसको कट करके रखी हुई हूँ सीजर से, से अभी सबसे पहले एक पैन ली उसमें मैंने ऑयल डाली क्वार्टर कप उसमें मैंने क्रश की हुई दो टेबल स्पून लहसन डाली और उस उसमें मैंने ज़ीरा हाफ टी स्पून डाल के इसको मैं अच्छी तरह से सौटे करी क्योंकि लहसुन की टेस्ट बहुत अच्छी लगती इसी लिए मैंने फ़्रेश लहसुन थोड़ी सी डाल दी थी ज़्यादा अब आप इसको अच्छी तरह से बुनाई करें थोड़ी सी बुनाई होने के बाद मैं एक ऑनियन ली थी उसको मैंने क्रश कर ली थी मतलब छोटी पीस होने की वजह से ज़रा जल्दी बनने वाली इसीलिए मैंने कर ली थी अब इसी ऑयल में डाली डाल के इसको अच्छी तरह से बुनाई करी इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर और इसमें क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी डाली और मैं वन टेबल स्पून धनिया पाउडर डाली और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी सिरा पाउडर भुनी हुई डालकर इसको अच्छी तरह से आप तमाम चीज़ों को बुनाई करें अब बुनाई करेंगे बुनाई करने के बाद आपको इसमें डालनी है टमेटो हमें डालनी है तो ये अच्छी तरह से ज़रा भूनने दें भूनने के बाद हम डालेंगे कच्चापन ख़त्म हो जाएंगे प्याज की तो हम डालेंगे पांच टोमेटो मैंने ली थी छोटी थी उसको क्रश करके रख दी थी वो मैं डालूँगी डाल के अच्छी तरह से इसको भी मैं बुनाई करूँगी और मैंने सॉल्ट डालूंगी हाफ टी स्पून अब इसमें मैंने योगर्ट डालनी थी मेरे पास ये लस्सी थी उसके टेस्ट और अच्छी होएगी थोड़ी सी खटास है तो मैं ये डाल दी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ली उसके बाद ये मैंने रोटी मैंने आप लोगों को बताई थी ना सरप्राइज रोटी मैं इसको सीजर से कट करके रखी हुई थी ये भी इसमें डाल दी तमाम रोटी तकरीबन तीन से चार अदद थी फुल की रोटी वो डाल के मिक्स कर लें जरा सा हिला लें फिर गरम मसाला क्वार्टर टी स्पून डालें कसूरी मेथी हाफ टी स्पून डाल दें डालें और थोड़ी सी हरी मिर्च भी साबुत दो तीन मैंने डाल दी थी ये भी डाल दें और हरा धनिया आप कट करके वो भी डाल दें अब नींबू के साथ आप सर्व करें योगर्ट के साथ बहुत ही टेस्टी है बहुत ही मज़े की देखिए रोटी भी ज़ाया नहीं हुई एक आपके लिए खाने के लिए एक चीज़ भी बन गई आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़रूर टेस्ट कीजिएगा बन जाती है ये बिशिल्लाय रोमानुम आज मैं आप लोग को बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सिंपल दावत में भी खा सकते हैं घर में भी मतलब वीकेंड में खा सकते हैं ये है मैंने बना रही हूँ शावरमा चिकन राइस इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले मैंने तीन पाउंड चिकन ली थी उसको छोटी 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 क्यूब में कट करके रखी थी अब इसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे सबसे पहले मैं लेमन जूस वन लेमन जूस डाल दी फ्रेश लेमन जूस उसको मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी पंद्रह बीस मिनट के लिए अब मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर योगट मैंने वन कप ली थी सावर क्रीम मैंने ली थी हाफ कप ये दोनों को आप मिक्स कर लें अब इसमें हम डालेंगे तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अब ये दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप डालेंगे इसमें अदरक लहसुन पिसी हुई आप डालेंगे वन टेबल स्पून डाल दें जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें सॉल्ट वन टेबल स्पून डालें क्योंकि थ्री पाउंड है ना चिकन इसी वजह से हमें वन टेबल स्पून ज़रूरत पड़ेगी अब इसमें डालेंगे चिली पाउडर वन टी स्पून और पाउडर टू टेबल स्पून गरम मसाला वन टी स्पून चिली फ्लेक वन टी स्पून ये तमाम चीज़ों को डालेंगे कश्मीरी लाल पाउडर वन टी स्पून चिली पाउडर ब्लैक पेपर वन टी स्पून तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसमें हम डालेंगे ऑइल ऑयल हम डालेंगे तकरीबन क्वार्टर कप के करीब डाल देंगे ऑयल आप डाल दें इसमें ऑयल क्वार्टर कप डालकर इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आप ये तमाम चीज़ों को चिकन में डाल के मिक्स कर कर आप तकरीबन टू आवर्स के लिए आप इसको रख दें वन आवर्स भी आपके पास टाइम नहीं हो वक्त नहीं हो तो वन आवर्स कर लें टाइम हो तो टू आवर्स करें बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे और इसमें आप कोई चीज़ पानी ऑयल की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी हमने डाल दी क्योंकि दही या वग़ैरह उसी में से हमारी पानी सब ड्रेन हो जाएगी देखिए इस पानी से हम इसको बुनाई करें अच्छी तरह से रेडी हो गए और मैं इसमें हाफ क्यूब डाल दी थी चिकन की बहुत अच्छी हो जाती थोड़ी सी इसमें ऑयल वग़ैरह से ये अपनी होती है अब इसको आप कवर कर लें स्मोक दे दें आप स्मोक देने के बाद अब हम रेडी करेंगे इसके सॉस की रेडी करेंगे ये सॉस इसमें मैं करूँगी वन कप डालूंगी मायोनीस वन कप सावर क्रीम थ्री टू फोर टेबल स्पून मोर देन। सोराचा हम डालेंगे ताकि दाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें हॉट सॉस भी थोड़ी सी डाल दें नमक नहीं डालें ऑलरेडी इसमें है शामिल है मायूनी में और सब सॉस में तो ये आपकी सॉस रेडी है अभी मैं चावल बनाऊंगी सबसे पहले मैंने थोड़ी सी फोर टेबल स्पून ऑयल डाली उसमें टू टेबल स्पून फुल क्रश की हुई गार्लिक हल्दी हाफ़ टेबल स्पून डालकर अच्छी तरह से सॉटी की इसमें पानी चार ग्लास डाली चार कप चावल और क्यूब एक डाली डाल के ये चावल को अच्छी तरह से दम पे रख दी ये आपकी रेडी हो गई इसको तकरीबन ये रेडी होने में हाफ़ एन आवर में पूरा आपकी डिश रेडी हो जाएंगी अब इसको आप सर्व करेंगे मैंने क्यूब भी डाल दी मैं बोल रही हूँ बीच बीच में कि आपके लिए टाइम इनफ हो जाए करके अब इसको हम सर्व करेंगे राइस एंड चिकन के साथ इस तरह से सर्व करेंगे सॉस डाल के बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस आप, लो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इसमें आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी ओकरा की रेसिपी दिखा रही हूँ ये सबसे पहले मैंने एक पैकेट फ्रोज़न ओकरा ले ली थी उसको मैंने सॉफ्ट हो गई उसमें मैं वन टेबल स्पून गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून ऑनियन पाउडर वन टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी नमक डाली और एक लेमन की जूस डाली डाल के अच्छी तरह से इसको हल्के हाथों से मिक्स करके रख दी फिर मैंने एक प्याला बॉल ले ली थी उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ पहले मैंने मैदा हाफ कप डाली कॉर्नफ्लावर क्वार्टर कप डाली और मैंने सॉल्ट डाली चिली पाउडर डाली और इसमें मैं ब्रेड क्रम डाल रही हूँ सॉल्ट मैंने हाफ टी स्पून और चिली पाउडर हाफ टी स्पून डाली और बेकिंग सोडा मैं क्वार्टर टी स्पून ये डाली डाल के इसको ड्राई इन्ग्रीडियंट को मिक्स कर ली करने के बाद ये ओकरा में थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल के मिक्स कर रही हूँ ये है भिंडी एक्चुअली भिंडी में मैं मिक्स कर रही हूँ हल्की हाथों से बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते मिक्स कर रही हूँ जैसे कि इस पर जो है कि तमाम भिंडी पे ये चिपक जाए इसी तरह से देखें स्लोली हल्की हाथों से इसको इस तरह से आप करें मिक्स मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी ये अपने फ्राई करने वाली जैसी छन्नी है उस पर मैं छान ली तो क्या हो गया कि हल्की सी मतलब छना गई तो सारी ड्रेन हो गई पाउडर फॉर्म में सारी नहीं तो ये पाउडर तेल में बहुत गंदी कर देती है इसीलिए मैंने छान ली छानने के बाद देखें ये तमाम छनने के बाद ये पाउडर नीचे रह गई तो अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी करके मैं पानी डाल के बिल्कुल थिक सी इसके पेस्ट सी बना लेती हूँ देखिए बहुत थिक सी है देखिए ये बन गई ना इसको मैं व्हिस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर ली ना मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ओकरा को डाल दी वो तो बिल्कुल ड्राई हुई हुई है डालकर इसको मैं हल्की हाथों से मिक्स करेंगी देखिए इस तरह से क्योंकि और भी अच्छी तरह से ये चिपक जाए और अच्छी क्रिस्पी होने के लिए अब आप देखिए एक 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 छोटी छोटी एक एक पीस छोटी छोटी सी कटी हुई है ना एक 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 पीस को आप डाल दें डालकर इसको आप फ्राई कर लें तकरीबन आपकी समझे कि पाँच मिनट में ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपकी मिक्स भी हो जाएंगी पाँच मिनट ओनली फाइव मिनट्स में तैयार हो जाएंगी देखिए बिल्कुल क्रिस्पी इसके ऊपर आप थोड़ी सी चाट मसाला डालें और आप खाएँ बहुत अच्छी लगती है और आप लोग सब्सक्राइब भी करें मुझे लाइक भी करें और ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा अल्लाह एंजॉय आज मैं आप लोग को बहुत ही टेस्टी बहुत ही इजी पाई की रेसिपी दिखा रही हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की होती है मैंने तमाम मसाला जो जो डाली हुई है मैं बता रही हूँ तो मैं सबसे पहले पाई को अच्छी तरह से बेसन लगाकर वॉश कर ली अब थोड़ी सी ऑयल डाली उसमें वन ऑनियन और साबुत गरम मसाला सब डाल के थोड़ी ब्राउन हो गई तो ये पाइ को डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम इसमें मसाला मैं घर पे डाल रही थी एक बाउल में अदरक लहसन मैंने वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून डाल दी और थोड़ी सी मैंने ऐसे स्मेल चले जाए करके धनिया पाउडर डाली और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर डाली अब देखें मैं मिक्स मसाला डाल रही हूँ इसमें मेरी धनिया जीरा गरम मसाला लाल मिर्च हल्दी और थोड़ी सी सौंठ डाल के मिक्स करके रखी थी ये चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ली सब वन वन टेबल स्पून डाल के और नमक नहीं डाली थी अब इसको मिक्स करके भूनने के बाद पानी फुल लोडेड भर के डाल दें जितना है उनके डबल अब इसमें मैंने वन टेबल स्पून फुल सॉल्ट डाली कम होने पर और भी आप डाल सकते हैं मगर अभी तो कम होगी क्योंकि ये तो ड्राई होने की है ना सूखने की है पानी अब ये पकते पकते इसको तकरीबन आपको चार से पाँच घंटे के लिए आप भूल जाइएगा मगर आपको मीडियम फ्लेम पे रखिएगा दो घंटा तक आधा थोड़ी सी आपको लगेंगी थोड़ी सी भी तो आप कवर करके फिर इसको इसको लो फ्लेम पे आप रख दें तकरीबन चार घंटे तक ये पक पक के देखें बिल्कुल धीरे धीरे गलने लगेगी अब देखें इनका कलर चेंज हो गई और इसमें ना मैं कोई मैदा बेसन किसी चीज़ भी नहीं डाली ना कॉनस्टाच खुद ही ये पक पक कर एकदम इसमें से गल के इसी में कि जैसी लेस निकल के आके बिल्कुल सॉफ्ट होके उसी में से थिकनेस आई है वही पानी पक कर देखें फुल थी कितनी हो गई क्वार्टर जितनी कम हुई तो अब ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको नान के साथ खाएं बहुत मज़े की है हेल्थी भी है आप लोग को पसंद आएंगे आप लोग मुझे लाइक करें शेयर करें इंजॉय करें अल्लाह हाफ बिस्मिल्लामान आज मैं आप लोगों को पैन में बनाने वाली चिकन शास की रेसिपी दिखा रही हूँ बहुत इजी बहुत ही जल्दी भी बन जाती बहुत टेस्टी बनती है मैंने ये मसाला लगा के रखी वेजिटेबल्स में थोड़ी सी ऑयल और नमक भी मैंने डाल कर रख दी है अब ये चिकन में भी मसाला लगा के आपको मैं बताऊँगी किस तरह से मैंने थ्री पाउंड चिकन क्यूब ले ली थी उसमें वेनेगर दो टेबल स्पून डाली और डाल के मिक्स कर ली करने के बाद इसमें थोड़ी सी डाली बेकिंग सोडा डालकर इसको भी मिक्स कर ली और अब मैं लहसन गार्लिक क्रश की हुई वन टेबल स्पून ले ली ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर वन टेबल स्पून चिली फ्लेक वन टी स्पून गरम मसाला हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून कैचअप टू टेबल स्पून टू टेबल स्पून आप इसमें डाल दें और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस डालेंगे टू टी स्पून सोया सॉस हम डालेंगे इसमें देखिए मैंने आप लोगों को इस तरह से कि आप लोगों को समझ आ जाए सही से अब इसमें ये तमाम चीज़ों को थ्री पाउंड चिकन क्यूब कटी हुई उसमें मैरिनेट करके रखी हुई थी वेनेगर और सोडा थोड़ी सी डालकर इसके अंदर आप डाल के मिक्स करें और अच्छी तरह से और ऑयल दो टेबल स्पून डाल दें और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ये भी डाल दें डाल के आप इसको मिक्स करें मिक्स कर कर आप इसको रख दें तकरीबन इसको आप वन आवर्स के लिए रख दें और कैचअप दो टेबल स्पून डाली थी सोया सॉस दो टी स्पून डाली थी वनीगर वन टेबल स्पून डाली थी और चिली पाउडर हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी और मैं इसमें धनिया पाउडर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक हाफ टी स्पून इस पर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर क्वार्टर टी स्पून सिर वन टेबल स्पून डालकर इसको मिक्स करके रख दी मैं अभी पैन में सोटे करेंगी पैन में ऑयल डाल के रखी थी इस पर मैं थोड़ी सी गार्लिक क्रश की हुई वन टी स्पून डाल दी डाल के इसको सोटे इस पर चिकन जो मैंने मसाला लगा के रखी थी उसमें से मैंने क्वार्टर चिकन ले ली थी बाकी मैं स्टिक पर लगा के रखी उसकी रेसिपी मैं बाद में दूँगी अब इसको अच्छी तरह से आप सोटे करें देखें चिकन बिल्कुल आपकी बेहतरीन तरीक़ा से आपका गल जाएंगे तो इसमें आप वेजिटेबल्स डाल दें डाल के उसको भी सॉटे करें और साथ साथ ये सॉस बना के रखी थी आधा सॉस इसमें डाल दें और कैबिज मैंने कट करके रखी थी वो भी एक मुठ्ठी डाल के अच्छी तरह से सॉटी करके ये रेडी हो गई ऑयल क्वाटर कप डाली उसमें गार्लिक वन टेबल स्पून कॉर्न वन कप और इसमें बटर डाली दो टेबल स्पून और एक चिकन की क्यूब डाली ब्लैक पेपर वन टी स्पून डाली डाल के सबको सौटे करके इसमें पानी जो है फोर कप पानी डाली और सॉल्ट इसमें वन टी स्पून डाली और हमने चावल फोर कप सोक करके रखी थी वो चावल भी राइस भी डाल दी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप बॉयल होने के बाद इसको दम पर रख दें ये रेडी हो गई चावल देखें आपकी शासले के साथ मैं इस तरह से सर्व करी आप लोग इन्जॉय करिए सबसे आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी वाइट बिरयानी की रेसिपी दिखा रही मैंने व्हील की गोश्त के साथ बनाई थी मैंने तीन पाउंड व्हील गोश्त ली थी अब मैंने एक ऑनियन डाली ऑयल क्वाटर कप डाली उस पर फ्राई करी करने के बाद गरम मसाला लौंग इलायची तेज़ पत्ता दालचीनी ज़ीरा ये सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे फ्राई होने के बाद मैं गोश्त डाल दी वन टेबल स्पून जिंजर पेस्ट वन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से आप भुनाई करें इसका बुनाई होने के बाद आप इसमें डालेंगे नमक डालेंगे वन टीस्पून स्पून डाल के बुनाई करने के बाद देखिए कलर चेंज हो गई हरी मिर्च भी मैंने कट करके डाली तीन अदर डाल के इसको भी बुनाई कर रही हूँ हरी मिर्च इतनी तेज तो नहीं है हेलीपुन और मैं इसमें डाल रही हूँ दो कप मैं योकर डाली डालकर इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें देखें मिक्स करके इसको भूनते रहें भूनते रहें मगर इसको हमें टाइम तो लगेंगे गलने के लिए इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर लग जाती है गोश्त को अब इसमें बुनाई करने के बाद आप इसमें डालेंगे स्मेल ख़त्म होने के लिए मैं सिर्फ इसमें धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर मैंने वन टीस्पून डाली धनिया पाउडर मैं वन टेबल स्पून डालूँगी भून कर रखी हुई और मैं ये मसाला भून के रखी हुई जीरा धनिया सौंफ गर्म मसाला और नमक भी इसमें ऐड की थी वन टीस्पून स्पून ये डालकर सब भून के रखी हुई और इसके साथ जूलियन अदरक और हरी मिर्च डालकर इसको तकरीबन ये फिफ्टी गल चुकी है इसको अच्छी तरह से बुनाई करके आप इसको दम पे थोड़ी देर के लिए रख दें और अब देखिए गोश्त तकरीबन गल गई ना तो अब इसमें मैं डालूँगी दोबारा से क्योंकि आपकी गल गई थोड़ी सी हरा मिर्च वगैरह दोबारा से थोड़ी सी हरा धनिया हरी मिर्च भी डाल दूँगी और ऑनियन मैंने ना वन कप फ्राई की हुई ऑनियन वन कप मैं डाल रही हूँ डाल के इसको अच्छी तरह से भून मैंने रख दी अब देखिए अब दोबारा से मैं चावल बॉईल करने रखूंगी तो फिर दोबारा से मुझे क्योंकि इसमें ये फ्रेश हरा धनिया हरी मिर्च और पुदीना इन्हीं का सब कुछ कमाल है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दोबारा से फ्रेश हरी मिर्च और जुलियन कटी हुई जिंजर और मैंने पुदीना भी अब मैं डाल रही हूँ पुदीना पहले से काला हो जाएंगे करके अब बिल्कुल रेडी है इसलिए पुदीना एक मतलब फुल हैंड पुदीना एक फुल हैंड धनिया और लेमन जूस हाफ़ डाली और इसमें पानी में मैंने गरम मसाला साबुत डाली और मैं ढाई टेबल स्पून सॉल्ट डाली और चावल मैं सेला को भिगो के रख दी थी ये चार कप है चावल तो अब इसको डालकर बॉयल करने रख दी अभी आपके चावल भी रेडी हो रही तो दोबारा से मैंने फ्रेश दोबारा डाल के ये चावल को ऊपर से मैंने डाल दी डाल कर इस पर अच्छी तरह से इसको थोड़ी सी आप गड्ढा करें अब इसमें यो मैंने दम पे ऊपर से मैं थोड़ी सी घी ना वन टेबल स्पून घी डाल के थोड़ी सी इस तरह गड्ढा करें कि स्टीम बाहर आएंगे नीचे का एनहन्स वगैरह पूरा गोश्त के ऊपर आएंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालें देखिए आपकी इतनी मज़ेदार रेडी हो जाएंगी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और आप लोग इन्जॉय करें बहुत मज़े किए अल्ला हाफि बिस्मिल्लान आज मैं आप लोगों को चिकन वेफ़ल्स की रेसिपी दिखा रहा हूँ वेरी टेस्टी वेरी डिलिशस मैंने ली थी दो पाउंड चिकन ब्रेस्ट फिलहे में कटी हुई थी इसमें मैं डाल रही हूँ बटर मिल्क मैंने तकरीबन टू एंड हाफ़ कप मैं बटर मिल्क इसमें डालूँगी बटर मिल्क रात मैं पूरा वन नाइट जैसे सोख करके इसको रख दूँगी मैं रात में ये लगा रही थी तो सुबह करूँगी करके इस पर ये जो है मामा ये स्पाइस मसाला आपको मिले तो डालें नहीं तो डजन मैटर डोंट वेरी मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक जो ऑनियन पाउडर वन टेबल स्पून और मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून और ब्लैक पेपर मैं वन टेबल स्पून डालूँगी ये तीनों चीज़ों को मैं डालूँगी और कश्मीरी चिली पाउडर ये मैं वन टेबल स्पून डालू इसमें स्पाइसी तो नहीं होती है ब्लैक पेपर की है और इसमें मैं सॉल्ट डाली हूँ वन टी स्पून ये तमाम चीज़ों को डालकर आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें मिक्स करके आप इसको रख दें रात भर के लिए रखें तो बहुत अच्छी अंदर घर के बहुत अच्छी जायका बन जाती है आपके पास ये जो मामा की मसाला नहीं होंगी तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी मसाला बढ़ा दें अब मैं बना रही हूँ वेफल्स के लिए दो कप मैंने ली थी ऑल पर्प फ्लावर और इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ फोर मैंने बेकिंग पाउडर डाली हूँ फोर टी और मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ये मैंने रख दी ड्राई इंग्रेडिएंट अब इसके लिए वेट बना रही हूँ दो एग मैंने डाली अच्छी तरह से आप दो अंडे को आप अच्छी तरह से एग बीटर से मिक्स करें उसमें आप डालेंगे टू टेबल स्पून आप डालेंगे शुगर डालेंगे और आप डाल के फिर से मिक्स करेंगे ये आप वेट इंग्रेडिएंट में हम डाल रहे हैं शुगर दो टेबल स्पून डाल के अच्छी तरह से इसको आप मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप इसमें अब डालेंगे ऑयल ऑयल हम डालेंगे हाफ कप क्योंकि हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें हाफ कप ऑयल आप ज़रूर डालिएगा डाल के इसको मिक्स करें करने के बाद आपने तकरीबन थ्री टू थ्री थ्री एंड हाफ़ कप के जितना आप मिल्क डालें कोई सा भी मिल्क हो डाल अच्छी तरह से मिक्स करें और वे वेनी, वनीला आप डालेंगे दो टीस्पून डालेंगे डाल के उसको भी आप मिक्स करें मिक्स करने के बाद अब हमारे पास जो ड्राई इन्ग्रीडियंट रेडी करके रखें उसको जरा से छान लें क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर सॉल्ट एंड मैदा है ना और पर्पज फ्लावर है इसको छान लें तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दो कप मैदा है उसमें चार मतलब टी स्पून हमने बेकिंग सो बेकिंग पाउडर डाली थी और सॉल्ट क्वार्टर टी स्पून डाली थी इसको मिक्स करके आप आराम से वन आवर्स के लिए रख दें मैं एक्चुअली चिकन के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी देखिए मैम एक वेफल्स बना के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनी बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ब्रेकफास्ट में भी आप यूज़ करते हैं इसको यूज़ कर सकती हैं ठीक है ना देखें बहुत अच्छी कितनी प्यारी कितनी अच्छी बनी खाने में बहुत टेस्टी थी इस तरह से आपकी वेफल्स बनेंगी देखें मैंने इस तरह से पैफल्स बना के मैंने रख ली थी अब मैं इसके लिए ट्राई इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रही हूँ मैदा मैंने डाली तीन कप उसमें मैं डाल रही हूँ वन टेबल स्पून ऑनियन पाउडर वन टेबल स्पून गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर और मैं ये चीज़ आपको दिखा रही हूँ ये हो तो डालें वन टीस्पून या तो हाफ टी स्पून डजन मैटर नहीं हो तो नहीं डालिएगा इसमें मैं चिली कश्मीरी लाल चिली पाउडर मैं वन टीस्पून डाली और मैं इसमें डालनी हूँ बेकिंग पाउडर भी इसमें हमें डालनी है बेकिंग पाउडर मैंने टू टीस्पून मैंने डाल दी फिर इसमें मैं अभी डालूँगी इस पर मैं थोड़ी सी चिली पाउडर डालूंगी स्पाइसी के लिए अब ये ड्राई इन्ग्रीडियंट को सॉल्ट वन टी स्पून डालें मिक्स करके आप आपदा रख दें ठीक है ना क्योंकि हमारी तो चिकन दो ऑलरेडी रेडी है अब ये मैं वाइट इन्ग्रीडियंट कर रही हूँ इसमें मैं एग डाल रही हूँ ऑल स्पाइस आप डाल दें फिर इसमें आप डालेंगे चिली पेस्ट आप डालेंगे वन एंड हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये डालें और इसमें आप सॉल्ट डालें हाफ़ टी स्पून और अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को मिक्स करें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्ट हर एक चीज़ में है ना तो आप थोड़ी सी हाफ टी स्पून सॉल्ट डालें इसको मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगी इसमें आप डालेंगे बटर मिल्क भी वन कप डाल देंगे डालने के बाद आप क्या करेंगे आप इसमें से चिकन को निकालेंगे पहले चिकन वेट वी को आप निकालेंगे निकाल के आप डालेंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट पे पहले लगाएंगे फिर उसके बाद आप वेट पे फिर आप करेंगे ड्राई पे क्योंकि आपकी ऑलरेडी वेट है तो आप पहले डालेंगे ड्राई पे ड्राई पे डालने के बाद आप उसको डालेंगे वेट पे फिर उसके बाद आप ड्राई पे तो ड्राई दो बार इसके साथ होंगे वेट तो एक ऑलरेडी एक बार हुई हुई है राइट हमारे पास वेट हमारे साथ हुई हुई है अब आप इसको डाल रहे हैं ड्राई ड्राई से आप डाल रहे हैं वेट पे वेट के बाद आप ड्राई पे तो ये इस तरह मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि दो बार ड्राई हमें यूज़ करनी है ना पहले ड्राई फिर वेट फिर ड्राई ये आपकी तैयार हो जाएगी आप अच्छी तरह से इसको बना लें बनाकर आप फ्राई करेंगे तकरीबन एक साइड पे आपको चार मिनट थ्री टू फोर मिनट रखिएगा दूसरी साइड भी थ्री टू फोर मिनट रखिएगा मैं इसीलिए बता रही हूँ कि टाइम आपको शॉर्ट ना हो अब मैंने हाफ कप बटर ली थी इसमें हनी मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें मैं चिली पाउडर वन टीस्पून स्पून डालूंगी बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें मिक्स कर, बटर को आप जैसे मतलब सॉफ्ट करके पिघाल के, के रखें अब देखें ये रेडी हो गई सिरप आपकी अब आप हम ये चिकन को डाल के फ्राई करें मैं जिस तरह से बोली ना एक एक साइड पर फोर फोर मिनट के लिए करें मीडियम फ्लेम पे बहुत हल्की भी ना हो बहुत हाई भी नहीं हो क्योंकि इसके ऊपर का कवर ना हट जाए ना तो मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसके पास खड़ी ही रहे इस तरह से तल ले तलने के बाद देखें आपकी रेडी हो रही है तो आप इसको सर्व करेंगे तो आप लोग देखिए ये रेसिपी देखने के बाद मुझे लाइक शेयर और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा देखिए ये हमारी वैफल तैयार हो गई चिकन भी तैयार हो गई मैं आपको असेंबल करके दिखा रही हूँ ये सिरप भी है तो इस तरह से वेफल हम रखेंगे इसके ऊपर चिकन रखेंगे और ये सिरप को हम ऊपर से डाल देंगे आप इस तरह ट्राई करें बहुत ही मज़े की आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे ओके बाय बाय आज, आज मैं आप लोगों को चिकन शासले की रेसिपी दिखा रही हूँ मैंने टू पाउंड चिकन ली थी क्यूब में कटी हुई थी इसमें थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल के मिक्स करके रखी ताकि गल जाए ना स्टिक को हमने ग्रिल करेंगे इसमें मैंने जिंजर सॉरी गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर वन टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर वन टेबल स्पून क्रैश पेपर वन टेबल स्पून चिली पाउडर वन टेबल स्पून एंड नमक वन टीस्पून स्पून दाली डालकर इस पर मैंने डाली टोमेटो केचप टू टेबल स्पून एंड सोया सॉस इस पर मैंने डाली थी टू टेबल स्पून और ऑयल टू टेबल स्पून जिंजर जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून एंड गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून मोर देन वन टी स्पून के करीब डाल दी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें सिरराचा राचा टू टेबल स्पून डाली थी डालकर इसको मिक्स करके रख दी अब मैंने वेजिटेबल्स में टोमेटो थ्री कलर बैल पेपर एंड ऑनियन सॉल्ट ऑयल डाल के थोड़ी सी मिक्स करके रख दी अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक चीज़ें ये तो आप लोगों को आइडिया होगी आराम से ये इस तरह से मैंने स्टिक में सब लगा रही हूँ ना देखिए चिकन मतलब ऑनियन बेल पेपर रेड बेल पेपर और टमेटो भी मैंने कट करके रखी थी थोड़े एक आध एक आध ऊपर लगाई उसकी खटास से बहुत अच्छी मजे की लगती और मैंने उसमें चेरी टमेटो बिल्कुल टॉप के ऊपर एक मैंने रख दी थी ना तो उससे बहुत लुक बहुत, बहुत खूबसूरत लग रही थी तो ये मैंने करके देखे ये मैंने रखी मैं पैन में थोड़ी सी ऑयल डाली इसको शैलो हम करेंगे ये शेलो करेंगे और मैं हाफ़ को मैं इस तरह से करके दिखाऊंगी और हाफ को मैं निंजा में करके दिखाऊंगी आप लोगों को दोनों की फ़र्क मगर माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छी सॉफ्ट बहुत गली और अच्छी जूसी वाली थी ना इस वजह से मैं बोले दोनों से ट्राई करूँ आप बहुत यूज़ करो डजन मैटर तो ये मैंने करी थी तो मैं आप लोग को ये दिखा रही बहुत अच्छी बन रही है आप ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा देखिए ये अभी हमारी रेडी हो गई इसको मैंने निकाल ली अब मैं निकाल कर अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ ये मेरी पैन में बनी हुई है ठीक है ना अब मैं जाऊँगी दूसरी तरफ मैं जाऊँगी जाकर मैं उस पर लगाऊँगी मेरा ये जो है ना एयर फ्रायर निंजा इस पर मैं थोड़ी सी स्प्रे कर ली करने के बाद मैंने ये स्टिक डाली तकरीबन फ़ोर टू फाइव मिनट्स में माशाल्लाह से ये रेडी हो गई ना इतनी अच्छी तरह से ये भी रेडी हो गई बहुत काफ़ी देर आप करेंगे तो बिल्कुल हार्ट हो जाएंगे ना फोर टू फाइव मिनट्स मोर देन इनफ ये हमारी रेडी हो गई देखिए इसीलिए मैं दोनों को आपको एक साथ मैं दिखा रही हूँ सर्व करके ये है हमारी निंजा में बनी हुई है ये इस बिल आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही इजी घर पे होने वाली चीज़ों से बन जाएंगी देखिए ये मैं खूसा की रेसिपी दिखा टोमेटो ऑनियन हरी मिर्च खूसा और चिक की है ये ये चीज़ों को घर पे हो जाती है अमूमेन तो इससे आपको मैं रेसिपी दिखा दूँगी सबसे पहले आप एक पैन ले लें उसमें ज़ीरा वन टीस्पून डालें ज़ीरा आपकी फ्राई होने लगेगी एक ऑनियन लेकर इसको अच्छी तरह से कट करके इसको भी आप डाल दें इसको थोड़ी सी आप सॉटे करें थोड़ी सी ये नरम हो जाएगी तो इसमें आप डालेंगे लहसुन वन टेबल स्पून और हरी मिर्च चार पाँच अदर डाल के इसको आप थोड़ी सी भुनाई करें लहसुन जरा सी भुनने लगेगी तो ये टमेटो मैंने कट करके रखी थी पाँच से छः थी इसको भी डाल दें डालकर इसको भी अच्छी तरह से भूनें और इसमें नमक हम डालेंगे वन टीस्पून नमक हल्दी क्वार्टर टीस्पून हम डालेंगे चिल्ली पाउडर हाफ टीस्पून धनिया पाउडर वन टेबलस्पून डालेंगे और जीरा पाउडर हाफ टीस्पून डालेंगे डाल कर ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप भूनें क्योंकि टोमेटो भी गल जाएंगे टोमेटो थोड़ी ज़्यादा उनकी खटास से मज़े की होती है ये कोसा हमने छः से सात अदर्द कट करके कर रखी ये भी डालें डाल के इसको भून कर थोड़ी देर आप कवर करके रख दें ये तकरीबन फिफ्टी परसेंट सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर आप इसमें यह चिक पीस की मैंने केल ली थी पानी ड्रेन करके इसको छन करके रखी हुई थी छान कर इसको भी आप डाल दें डाल के अच्छी तरह से इसको भुनाई करें थोड़ी देर तक देखें अच्छी तरह से भुने अभी हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला भूनने के बाद आप इसमें डाल दें पानी वन कप डाल दें पानी डालने के बाद आपकी आपकी तकरीबन रेडी है तो आप गरम मसाला हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डालें डाल के इसको आप 10 मिनट तक दम पे रख दें बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी हो जाएगी तो तमाम चीज़ें गल जाएंगी खाने में बहुत टेस्टी होती है आप इसमें हरा धनिया भी ऊपर से डालिएगा आप इसको नान है चावल है फुलका है हर चीज़ से ट्राई करती बहुत टेस्टी मैं तो ऐसे ही खाती हूँ इंजॉय करें अल्लाह हाफिरा आज मैं आप लोगों को डाइना चिकन की रेसिपी दिखा रही हूँ बहुत ही मज़े की होती बाहर श्रिम की मिलती मैं ख़ास चिकन में ट्राई की बहुत मज़े की बनी मैंने चिकन दो पाउंड ली थी इसको बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में फिले को मैं कट करके रखी इसमें मैं सोया सॉस डाल रही हूँ दो दो टेबल स्पून डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पू फुल में हम डाल रहे हैं और मैं इसमें डालूँगी ऑनियन पाउडर वन टेबल स्पून फुल ये डालेंगे अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट डालूंगी वन टीस्पून क्योंकि सोया सॉस हमने दो टी स्पून डाली है इसी वजह से ब्लैक पेपर हम डालेंगे वन टी स्पून अब एक्स्ट्रा डालना चाहिए वन टेबल भी डाल सकते और ये रेड जो है कश्मीरी पाउडर ये डालती हूँ कलर अच्छी होती है ना ये डाली और मैं इसमें बेजल डाल रही हूँ वन टेबल स्पून सिराचा वन टेबल स्पून चिली पाउडर वन टीस्पून वन एग डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दो से तीन घंटे के लिए रख दें और इसके सॉस हमें बनानी है मायूनीस आप डालें वन कप मायूनीस डालें हनी डालें वन टेबल स्पून हनी डाल दें क्योंकि अब मुझे और चीज़ें भी डालनी इसी वजह से मैं वन टेबल स्पून ही डाल रही हूँ हनी और आप इसमें डालेंगे श्रीराचा ये दो टेबल स्पून आप डालेंगे इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ में नमक है इसका सॉस बहुत मज़े की होती है आप इसी तरह से बनाइएगा बहुत अच्छी बनेगी और इस पर कैचप हम डालेंगे वन टेबल स्पून कैचअप डालेंगे डालकर ये सॉस को अच्छी तरह से आप चिली पाउडर हाफ टी स्पून डालें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप फ्रिज में रख दें अब इसके लिए ड्राई इन्ग्रीडियंट वन कप ऑल पर्पज फ्लावर और वन कप मैं डाल रही हूँ कॉर्न और नमक थोड़ी सी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चिकन को इस पर अच्छी तरह से ड्राई इन्ग्रीडियंट पर लगा लेंगे लगा कर इसको हम रखेंगे देखें इस तरह छान लें क्योंकि बहुत नीचे मतलब पाउडर फॉर्म में होएंगी तो ऑयल बिल्कुल ख़राब हो जाती है अब इसको इस तरह से क्रिस्पी फ्राई करें बहुत ही ज़बरदस्त इतनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई आप देखें इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें स्टेप बाय स्टेप तीन चार पैच में मेरी फ्राई हो गई थी तो मैं इस तरह से फ्राई करके इसको निकाल ली निकालने के बाद ये जो सॉस हमने बना के फ्रिज में रखी थी उस सॉस को मैंने दोबारे से निकाली निकाल कर इसमें तमाम चिकन को डाल दी मतलब वन कप तो मोर देन इनफ हो गई तो मैं डाल दी थोड़ी सी पैच फ्राई हो रही है तो मैं इतने को करके आप लोग को दिखा रही देखिए मैंने तीन तरह से इसको सर्व की एक बड़े बॉल में भी छोटी वाली कप बॉल में भी और इस तरह से कि मतलब आप लोग जैसे सर्व करना चाहिए करें इंजॉय करें लाइक करें शेयर करें बहुत मजे अल्लाह हाफिज़